तीन ट्रेन के पैसेंजर एक ट्रेन में तत्काल दो तीन सेकंड में ही कट जाती है, सारे टिकट फॉल्सफुल हो जाती है। देखिएगा तो एसी का भीड़ है, ऐसी स्थिति में पैसेंजरों को लंबी दूर का यात्रा करना पड़ता है तो क्या होली के लेके बहुत दिक्कत हो रही है। और कहने का मतलब है कि सरकार को इस नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम है पटना साहिब स्टेशन पे, ट्रेनों का आना जाना लगी है और यहाँ जब देखिएगा तो कुछ यात्री लोग जो हैं अपने अपने घरों पे अपने अपने ऑफिस जाने की तैयारी में है। वैसे भी देखा जाता है तो होली का जो पर्व है वो संपन्न हो गई है, आने जाने का सिलसिला शुरू हो गई है। लेकिन आने जाने का सिलसिला के पहले जरा जरा सा देख लीजिए कि टिकट कन्फर्म लोगों का है या नहीं। आए दिन शिकायतें मिलती है, जो भी दूर दराज से जो यात्री आते हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है टिकटों की मारामारी। अगर तत्काल टिकट मिलती है वो भी मिनटों में समाप्त हो जाती है। वैसे स्थिति में दूर दराज से आने वाले यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अपने घरों में आते हैं परिवारों के संग में होलियाँ मनाने के लिए, पर्व मनाने के लिए। जब जाने का समय होती है तो स्थिति बद से बदतर होती है। आकाश से लेकर पाताल तक टिकटों की मारामारी है। अगर फ्लाइट के बारे में अगर मैं आपको जानकारी देना हूँ, अगर दिल्ली आपकी आपको बेंगलोर जाना है तो 20,000 से 30,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ जाएगा। यहाँ का जब स्थिति जब देखिएगा वही हाल है। रिजर्वेशन अगर जाइएगा तो वेटिंग 400-500 स्थिति हो गई है। हम ट्रेनों का हालत दिखलाएंगे, लंबी दूरी की यात्रा करने वाला उन यात्रियों का किस तरह का मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को सबसे ज़्यादा अगर आय देने वाला है तो ये ट्रेन है भारत सरकार का। लेकिन स्थिति जब देखिएगा तो ज्यों का त्यों बनी हुई है। दूर दराज से लंबी यात्रा से जाने वालों यात्रियों का यह मुसीबत है। होली स्पेशल के नाम पर मात्र से एक से दो ट्रेनें चल जाती है, लेकिन यहाँ का जब भीड़ देखिएगा तो चींटी ससड़ने का भी जगह नहीं है। आप इसके अंदर भी नहीं जा सकते हैं भैया, बहुत भीड़ है। तीन ट्रेन के पैसेंजर एक ट्रेन में पटना में खाली हो जाएगा। धैर्य की कीमत आज समझ में आती है। ये तमाम जगह जब आप देखिएगा तो सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। सरकार कहती है कि आम यात्रियों को सुविधा देंगे, लेकिन यहाँ जब देखिएगा तो बच्चे हैं। अब दूर जाना है तो क्या सुविधा देंगी सरकार? रेल मंत्रालय लगातार घोषणा करती है इस बार होली पर्व पर तमाम यात्रियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन यह सुविधा देखिए तमाम जगह भीड़ ही भीड़ है। क्या नाम हुआ? रवि कुमार। कहाँ जा रहे हैं रवि कुमार? दिल्ली के लिए निकलना है अभी। क्या हुआ टिकट? होली में आए थे घर, पटना मेरा घर पड़ता है, होली में आए थे घर और जाने के लिए कोई टिकट नहीं मिल पा रही है। बहुत वेटिंग चल रहा है टिकट, काउंटर पे जा रहे तो तत्काल में लाइन लगना पड़ रहा है। तत्काल दो तीन सेकंड में ही कट जाती है, सारे टिकट फॉल्सफुल हो जाती है। अब सरकार कहिए कि होली स्पेशल चल रही है, कहाँ चल रही है होली स्पेशल? अभी संजीवी का देखिए आने का समय हुआ है, अभी तक आई नहीं है ट्रेन, 15-20 मिनट लेट चल रही है। हम लोग बहुत देर से स्टेशन पर खड़े हैं। आप टिकट नहीं ले तो फिर कैसे जाइएगा? जनरल टिकट से जाएंगे, क्या करें? जनरल छोटा टिकट लेके चलेंगे ट्रेन में, टीटी बाबू को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद सीट मिलेगा। तो है समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है रेलवे का। क्या नाम हुआ? अजीत कुमार केसरी। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? मैं दिल्ली जा रहा हूँ सर। क्या हुआ, टिकट मिल गया? टिकट के लिए तो बहुत महामारी है, तत्काल में भी तुरंत बुक हो जा रहा है। और कहने का मतलब है कि मैं ऑनलाइन टिकट लिया हूँ, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। कन्फर्म देखते हैं ट्रेन में वो कंफर्म होता है कि नहीं होता है, फिर टीटी के जैसे बात करूंगा। और क्या लग रहा है कि इस बार भी हॉस्पिटल जा रहे हैं? होली के लेके बहुत दिक्कत हो रही है। और कहने का मतलब है कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि यात्री को इसके लिए स्पेशल ट्रेन का सुविधा कराना चाहिए। ये तो सरकार का ध्यान है ही नहीं, तो क्या किया जा सकता है? और यहाँ का जब देखिएगा तो इस एसी का डब्बा भी हाउसफुल है। आकाश से लेकर पाताल तक जहाँ जाइएगा तो टिकट की मारामारी, यहाँ जब देखिएगा तो एसी का भीड़ है। ऐसी स्थिति में पैसेंजरों को लंबी दूर का यात्रा करना पड़ता है तो क्या रेल मंत्रालय सही कर रही है? नहीं कर रही है, कहीं से नहीं कर रही है। अब तमाम जगह देखिएगा तो भीड़ भीड़ है। ये पूरे एसी है, ये देखिए ये पूरा एसी है। बाबू मत जाओ, गाड़ी छूट गई है। ये पूरा एसी है, यहाँ देखिएगा ये पूरा एसी है, एसी में भी भीड़ है।
तो रेल मंत्रालय भारत सरकार से गुजारिश है, आप बेहतर दीजिए, किराए में बढ़ोतरी करते हैं तो कम से कम यात्रियों को सुविधा प्रदान कीजिए, तब ये हमारा देश, हमारा भारत बेहतर होगा। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।